क्या होगा अगर कोई लोन ऐप की ईएमआई आपसे डिफॉल्ट हो गई है, या आपसे छूट गई है, या आपने भरी नहीं, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी रीजन हो, चाहे कोई सा भी ऐप हो, तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोन फ्री इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है सैलू रॉय और आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई लोन ऐप है, जैसे मान के चलो किस्त है, रिंग है, रुफीलो है, धनी है, नावी है, मोबी क्विक है, एम पॉकेट है, रिंग है, कोई सा भी लोन ऐप है जो आरबीआई रजिस्टर्ड है, उसकी ईएमआई आपसे डिफॉल्ट हो गई है, या आपका लोन ओवरड्यू हो गया है, आप भर नहीं पा रहे हो, चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, आपकी मेडिकल का इश्यू हो, आपको कोई बीमारी हो गई हो, या आपके घर में कोई बीमार हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप अपने बिजनेस में लॉस खा गए हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, अगर उसकी वजह से आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है जो भी आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है, तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के आइकन को दबा देना कि जिससे मेरी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए आज के जमाने में लोन मिलना बहुत आसान है, अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा भी ठीक है, या आपके अकाउंट में 10-20 हजार रुपए पर मंथ क्रेडिट होते हैं, तो कई सारे लोन ऐप हैं जिनके मैंने आपको नाम भी बताए, जैसे क्रेडिट भी हुआ, रिंग, रुफीलो, किस्त, नावी, धनी, ट्रू बैलेंस, मनी व्यू, नीरा, स्टेसफिन, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं और आपको 1,000 रुपये से लेके आपकी जरूरत के हिसाब से कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख तक की, कोई 10 लाख तक की लिमिट दे रहा है, तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते, आपका लोन जो है ओवरड्यू हो जाता है। तो देखिए, जैसे ही आपका लोन किसी भी ऐप से, जो भी मैंने नाम लिए हैं और इनके अलावा कोई भी हो जो आरबीआई रजिस्टर्ड है, तो सबसे पहले ना भाई, इनके जो रिकवरी एजेंट हैं, जो कस्टमर केयर में काम करते हैं, आपके पास बार बार कॉल करेंगे, दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना मन करेगा भाई उतने कॉल करेंगे और आपको परेशान करके रख देंगे कॉल कर करके, और आपके साथ गाली गलौज भी करेंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपके साथ गाली गलौज करेंगे और आपको व्हाट्सएप पे धमकियां देंगे, और हो सकता है ना तो बहुत से जो है लोन ऐप हैं आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी कॉल करते हैं, और रेफरेंस पे तो पक्का लोग ये कॉल करते ही हैं, और व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ऐसे आएंगे। बहुत से लोन ऐप भेजते हैं कि आप 2 घंटे में अपना पेमेंट करें, नहीं तो रिकवरी टीम आपके घर पे पहुंच जाएगी। बहुत से लोन कहते हैं कि आप जहां पर पढ़ते हो, जिस कॉलेज में पढ़ते हो, वहां पर आ जाएंगे हम। बहुत से कहते हैं कि आप जहां पर भी काम करते हो ना, हम वहां पर अभी आ रहे हैं 2 घंटे में, अन्यथा आप अपना पेमेंट करें। गाली गलौज करेंगे, आप पे 400 BC का केस डालेंगे। केस डलता नहीं है, पर ये लोग आपको व्हाट्सएप पे धमकाएंगे, धमकी भरे नोटिस भेजेंगे व्हाट्सएप पे, कोशिश करेंगे आपके न्यूड फोटोज वायरल करें, पर ऐसा ये लोग कर नहीं सकते, और ना ही आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करती है और ना ही आपके न्यूड फोटो वायरल करती है। फिर भी कुछ लोन ऐप हैं जो ऐसा कर देते हैं, फेक लोन ऐप तो ऐसा करते ही करते हैं, लेकिन कुछ आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं जो ऐसा कर भी देती है। व्हाट्सएप पर ही ये लोग आपसे कहेंगे कि आपके घर पर 2 घंटे में पुलिस आ जाएगी, आपको सभी बैंकों से डिफॉल्ट घोषित किया जाएगा, आपके जो भी जिस भी बैंक में अकाउंट है ना, सभी को फ्रीज किया जाएगा और सभी को ब्लॉक कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये धमकियां होती हैं जो आपको मिलती हैं। बहुत से रिकवरी एजेंट वकील बनकर, लॉयर बनकर आपके पास कॉल करेंगे, रिकवरी एजेंट ही होते हैं, उनके टट्टू होते हैं ये जो लोन ऐप हैं, उनके टट्टू होते हैं, वो पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि पेमेंट निकाला जाए। मैं देखिए आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पैसे मत दो, अगर भाई आपके पास पैसा है तो प्लीज इनका रीपेमेंट कर दो, मैं तो आपको ये चीज बता रहा हूं, अगर आपका लोन ओवरड्यू होने वाला है तो आपके साथ ये सब चीजें हो सकती हैं। आप इसे इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई प्लीज, आपके पास पैसे हैं तो इनका रीपेमेंट कर देना। कोई रिकवरी एजेंट ऐसे कहेगा कि हम हाई कोर्ट से, मैं ये जज बोल रहा हूँ, आपका जो मामला चल रहा है हमारे हाई कोर्ट में, आप आइए, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे मामला है, नहीं तो अपना पेमेंट कीजिए। मतलब यह है कि इनके रिकवरी एजेंट फर्स्ट ट्राई में पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे पेमेंट निकाला जाए। उसके बाद आता है इनका दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में ये लोग आपके व्हाट्सएप पर, आपके जीमेल पर लीगल नोटिस भेजते हैं, और बहुत सारे ऐप हैं जो आपके घर पर
थ्रू पोस्ट के जरिए आपके घर पर लीगल नोटिस भेजते हैं, जो कि फेक होता है। वो ना तो कोर्ट की तरफ से आता है, इन लोगों के रिकवरी एजेंट ही उसको रेडी करते हैं और आपको डिस्पैच भी करते हैं, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है। ना तो आपके घर पर कोर्ट का नोटिस आएगा, बस इनका फर्जी जो फेक नोटिस है वो आता है, वो होता है रिमाइंडर के लिए, आपको डराना है, आपको धमकाना है, आपकी साइकोलॉजी पर प्रेशर बनाना है कि कुछ भी हो जाए प्रेशर बनाओ और पेमेंट निकालो। मैं फिर भी कहूंगा अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज इनका पेमेंट कर देना, नहीं है तो भाई ये मत कहना कि मैं आप लोगों को गलत बता रहा हूं कुछ। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आपके पास पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये लीगल नोटिस का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है, महीने में कभी कभार तो 2 बार लीगल नोटिस आ रहा है आपके घर पर, कभी कभार 3 आ रहे हैं, या आपके व्हाट्सएप पे आपके मेल पर बार बार पे लीगल नोटिस आ रहे हैं। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, उसके बाद आप फिर भी इनका रीपेमेंट नहीं करते हो ना, तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके रिकवरी एजेंट आपके घर पर विजिट करेंगे, जैसे कि किस्त, रुफीलो, धनी, नाबी और भी सारे ऐप्स हैं, उनके रिकवरी एजेंट आपके घर पर भाई विजिट करेंगे। वो आपसे कहेंगे कुछ नहीं, बस ये कहेंगे कि आप उनका पेमेंट कर दो। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, साले पढ़े लिखे तो होते नहीं है, रिकवरी का काम करने लग जाते हैं, पता तो होता नहीं है कि कैसे आना है कैसे नहीं आना, गले में आई कार्ड लगा के आना है या नहीं आना, बट जब भी आए तो आप उनकी रिकॉर्डिंग कर लेना और उनसे प्यार से ही तमीज आना, उनसे गलत व्यवहार मत करना। अगर वो कुछ भी गलत करें तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है, आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी है, या आप खुद नहीं कर सकते तो आपके घर में कोई है उसको एक फोन पकड़ा दो, या आपके पड़ोसी हैं उसको फोन पकड़ा दो कि भाई ये पकड़ फोन और मैं इनसे बात कर रहा हूं, आप प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग करें। बस वो बंदा रिकॉर्डिंग कर लेगा, अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे ना तो वो बंदा जो भी रिकवरी एजेंट है आपके पास आया है वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, बस पूछेगा कि भाई पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, अगर कोई दिक्कत है तो वो बताओ। वैसे तो ये सारी बातें बहुत ही कम करते हैं, आपसे स्ट्रिक्टली पेश आते हैं, दबाव बनाते हैं उसी टाइम पे कि अभी कर दो, ठीक है। अगर इसके बाद भी रिकवरी एजेंट के बाद भी आप इनका रीपेमेंट नहीं करते हो ना, तो सबसे बड़ी बात आती है आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी को ये अधिकार नहीं है कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को हैक करे और उन पर संपर्क करे। कुछ ऐप्स हैं जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भाई कॉल करते हैं, रेफरेंस में तो सभी करते हैं, सभी का अधिकार होता है, ये तो ये समझते हैं कि खुद के बाप की खेती है साला उखाड़ लो जो भी करना है, पर बहुत से लोन ऐप हैं जो आपकी पूरी की पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करते, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, आपके बारे में गलत कहेंगे, गाली गलौज भी करेंगे उनसे, और उन पर पेमेंट का दबाव बनाएंगे कि आप पेमेंट करो। आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका कलीग अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना उनसे डिमांड करेंगे, उनको आपकी डिटेल्स भी भेज देंगे कि ये उनकी डिटेल्स हैं और उन्होंने जब जब अमाउंट लिया था उनका नंबर, फोटो, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ भेज देंगे। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कि चलो किसी की वीडियो देख ली या कंटेंट चुरा लिया और बता दिया। आप देखना मेरी फर्स्ट वीडियो थी जब मैं मुझ पर 8 ऐप्स का 95 का यानी कि लगभग 1 लाख का लोन ओवरड्यू था, उस टाइम पे भाई मैंने सारी समस्या झेली थी। अभी तो फिलहाल मैं पेमेंट कर रहा हूँ और बहुत सी ऐप्स का कर भी दिया है। आपसे फिर भी कहूंगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज कुछ गलत कमेंट मत करना, अगर आपके पास पेमेंट है तो इनका रीपेमेंट कर दो। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, गाली गलौज देंगे, बहुत कुछ करेंगे, उनसे भी पेमेंट निकलवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप फिर भी इनका पेमेंट नहीं करते हो ना, तो इनके पास लास्ट हथियार होता है आपका सिविल। आपको ही पता है कि 90 दिन होने के बाद आपका लोन जो एनपी हो जाता है, और 90 दिन के बाद ये लोग आपके जो भी लोन लोन है ना उसको आपके सिविल में रिपोर्ट करते हैं और आपके सिविल को भाई खत्म कर देते हैं, बिल्कुल गिरा देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ क्लियरली बता देते हैं कि इस बंदे ने तब लोन लिया था, तब से इसकी ईएमआई डिफॉल्ट है। और आपको ही पता है कि इस दुनिया में जो भी लोन ऐप्स की है, लोन लेते आप जहाँ से, फाइनेंस की दुनिया में सिविल एक ऐसा हथियार है जो सबके लिए जरूरी, आपके लिए भी और बैंक वालों के लिए भी और जो लोन दे रहा है उसके लिए भी, क्योंकि वो लोग भी आपका सिविल देखकर ही आपको लोन देते।
आपके सिविल को गिरा देंगे भाई बिल्कुल भी, और आपको कहीं से भी दोबारा लोन नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और लास्ट में आपको ये सेटलमेंट ऑफर करते हैं, अगर आप सेटलमेंट कर दोगे तो आपके सिविल में सेटलमेंट लिखा हुआ आएगा, वो भी आपके सिविल को हेम्पर करता है, बट यह है कि आपका सिविल फिर नीचे नहीं जाता, जहां पे स्थिर हो जाता है। उसके बाद आप ठीक भी कर सकते हो, बहुत सारी जरिए जिसके जरिए आप उसे ठीक भी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के आइकन को दबा देना। और आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों का लोन ड्यू होने वाला है या ड्यू हो गया, अगर आपके साथ ये सारी समस्या होंगी, अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो, तो मैं आपको एक आई बटन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाकर प्लीज देखना। आपको दिन में 10 बार 15 बार कितने भी कॉल्स आ रहे हैं ना, सारे के सारे बंद हो जाएंगे, आपके घर पर रिकवरी नोटिस नहीं आएगा, आपके घर पर रिकवरी एजेंट भी नहीं आएगा। उस वीडियो को देख लो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें सभी भाई जुड़े हुए हैं, अगर किसी के साथ कुछ गलत भी होता है तो हम वहां पर डेली तो नहीं, हफ्ते में 2 बार बात कर ही लेते हैं। मैं हफ्ते में 2 बार टेलीग्राम की ग्रुप चैट को ओपन करता हूँ, वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहां पे उसमें जाकर, टेलीग्राम की ग्रुप में जाकर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, मुझे टाइम मिलते ही मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर कोई आपका दोस्त ऐसी समस्या से गुजर रहा है या गुजरने वाला है तो उसे प्लीज टेलीग्राम में जोड़िए और मुझसे संपर्क कराइए, मैं 100% कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का और आपकी समस्या को भी सुलझाने का कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।